दमोह के बटियागढ़ में ज्वेलर्स और किराना दुकान में लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। चोरों ने यहां शटर तोड़कर जेवर और नकदी चोरी कर ली। बटियागढ़ नगर में श्री श्रृंगार ज्वेलर्स और नेहा किराने पर चोरी की ये दो वारदातें बीती रात करीब 3 से 3:30 बजे सामने आईं। अज्ञात चोरों ने दुकानों के शटर तोड़े और फिर इसके भीतर रखी लाखों रुपए की सामग्री चोरी कर ली। श्रृंगार ज्वेलर्स के संचालक छोटू उर्फ जितेंद्र जैन ने बताया कि लगभग 4 से 6 की संख्या में चोरों ने शटर तोड़कर जेवर चोरी किए हैं। इसी प्रकार किराना दुकान का शटर तोड़कर नकदी उड़ाई गई है। करीब 3.5 लाख रुपए की चोरी का ये मामला बताया गया है। बीच बाजार चोरी की इस वारदात के कारण व्यापारी दहशत में हैं। बटियागढ़ थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस थाने से कुछ ही दूरी पर चोरी की ये वारदातें सामने आई हैं, जिसके कारण पुलिस की रात्रि गश्त पर भी सवाल उठ रहे हैं। इससे 2 दिन पहले बटियागढ़ कॉलेज में पदस्थ एक महिला कर्मचारी के शासकीय आवास से भी करीब 1.5 लाख रुपए की चोरी की वारदात सामने आ चुकी है। आज फिर चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई। इस वारदात में सीसीटीवी वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें चोर शटर को तोड़ते हुए दुकान के भीतर घुसे और चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोरी हुई है करीब रात को 3:20 पर। कहाँ पर? किराने की दुकान और सोने चांदी की दुकान मेरी आजू बाजू में है। दोनों की शटर तोड़ के और अंदर घुस कर सामान ले गए हैं। चांदी का सामान ले गए हैं, डिब्बी वगैरह जो भी रखा था सब ले गए। कितने का नुकसान हुआ? लगभग करीब 3.5 लाख के लगभग का होगा। कहाँ की घटना है? बटियागढ़ बस स्टैंड मेंटे गड्ढा की।